दिव्य हिंदू शास्त्र में आपका स्वागत है। बागेश्वर धाम सरकार ने अपने प्रवचन के दौरान यह बताया कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मनुष्य के हाथ में नहीं होती हैं और न ही इन्हें कोई बदल सकता है। यह विधि द्वारा निर्धारित की जाती हैं और जन्म से पहले ही इन चीजों को हमारे पुराने कर्मों के अनुसार विधाता तय कर देते हैं। रामचरितमानस के अनुसार जब भरत भगवान राम से मिलने के लिए जाते हैं तो उन्हें दुखी देखकर मुनि वशिष्ठ ने 6 ऐसी चीजें बताई जो भाग्य द्वारा तय होती हैं और मनुष्य का उन चीजों पर कोई जोर नहीं होता है। आइए समझते हैं वह कौन सी चीजें हैं। हम जो भी अच्छे या बुरे कर्म करते हैं उसी से हमारा भविष्य निर्धारित होता है। इस विषय को नहीं जानने वाले कुछ बुरा हो जाने पर यह कहते हैं कि विधाता ने हमारे साथ बड़ा अन्याय किया। दुनिया की हर चीज किसी नियम या विधि से ही चल रही है। अनेक लोग इस बात की खिल्ली उड़ाते हुए कहते हैं कि यह तो भाग्यवादी धारणा है। वे कहते हैं कि इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है। यह बात बिल्कुल सत्य और सटीक है, परंतु हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश और अपयश ये ऐसी हैं जो विधि के हाथ में होती हैं। मनुष्य का जन्म कब होना है और कब उसकी मृत्यु होगी, उसे अपने जीवन में सफलता मिलेगी या नहीं, या फिर जो वह सोच रहा है उससे अलग किसी और क्षेत्र में उसे सफलता मिलेगी, उसे व्यापार में हानि होगी या लाभ, उसे अपने जीवन में सामाजिक यश मिलेगा या अपयश, यह बातें विधि यानी विधाता के हाथों में होती हैं। भगवान राम मानव जाति का कल्याण करने के लिए धरती पर मानव के रूप में आए, पर उन्हें भी अपने भाग्य में लिखी हुई निर्धारित कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ईश्वर होकर भी सामान्य मनुष्य से ज्यादा कष्ट उन्होंने उठाए, लेकिन फिर भी अपने आदर्शों पर कायम रहे। उन्हें भी यश और अपयश दोनों का स्वरूप देखने को मिला, पर मर्यादा की राह पर वह सदैव चलते रहे और उनके द्वारा स्थापित किए गए आदर्शों पर ही आज पूरी सभ्यता की आधारशिला है। आइए समझते हैं मनुष्य को क्या अपने विधि या भाग्य के भरोसे बैठना चाहिए। बागेश्वर धाम सरकार ने यह बताया कि मनुष्य अपने कर्म से ही अपने भाग्य बनाता है, विपरीत परिस्थितियों में भी रास्ते ढूंढ लेता है। इसलिए इतना निश्चित है जो अच्छे कर्म करते हैं और सदैव मेहनत और ईमानदारी के रास्ते पर चलते हैं उन्हें समाज में यश ही मिलता है, भले ही देर हो जाए। इसलिए कभी भी जीवन में समस्याओं से नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि हर समस्या का समाधान होता है, और अगर समाधान नहीं होता है तो हम समस्या की पहचान सही तरह से नहीं कर रहे हैं। लेकिन जीवन की सभी चुनौतियों का सामना करते हुए श्री राम एक आदर्शवादी, सहजशील, सरल, सामर्थ्य, धैर्य, अनुशासित और मर्यादित ऐसे गुणों के प्रतिरूप में है के रास्ते पर चलकर मनुष्य अपने जीवन की चुनौतियों को पार कर सकता है, अपने जीवन में निर्धारित लक्ष्यों को हासिल कर सकता है। बागेश्वर धाम सरकार ने आगे यह बताया, भले ही लाभ, हानि, जीवन, मरण ईश्वर के हाथों में हो, परंतु हानि के बाद भी हम न हारे यह हमारे ही हाथ में होता है। लाभ को हम शुभ लाभ में परिवर्तित कर दें, यह भी जीव का ही अधिकार क्षेत्र में आता है। जीवन जितना भी मिले उसे हम कैसे जिए यह सिर्फ जीव ही तय कर सकता है। मरण अगर प्रभु के हाथ में है तो उस परमात्मा का स्मरण करना हमारे हाथों में होता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस प्रकार की वीडियो प्राप्त होती रहेगी। धन्यवाद।